ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ना कोई अच्छा ड्रामा लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है? अरे पापा मैं ड्रामे नहीं देखती, मैं फिल्में देखती हूँ। मैं कह रही हूँ ड्रामा लगाओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगी, ड्रामा ही देखो। वैसे ना एक बात है, मेरे किसी गुनाह की सजा हो तुम तो भला किसने कहा है कि तुम इतने गुनाह करो, मत किया करो ना। हाँ हेलो हेलो, हाँ ठीक है, सही सही सही, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ओहो चुप तो करो। अरे सर आपको नहीं कह रहा, अरे सर असल में मैं मछली मार्केट में खड़ा हूँ, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। अरे क्या क्या है, किसका फोन था? फोन पे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, जाहिर है कोई होगा, और आप लोगों ने इतना शोर मचाया, अगला बंदा क्या सोचता होगा? अरे क्या हो गया, नौकरों के दुबला क्या मालिकों को तमीज सिखाएगा? तमीज एक अलग सबक है, ये कोई भी किसी वक्त भी किसी को सिखा सकता है। क्या बात है जानी, आज बड़ी तमीज से बात कर रहे हो, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ उर्दू अदब खाया था क्या? अरे मैं तो हूँ ही खानदानी अदब वाला, मेरे तो दादा मिर्जा गालिब के साथ पिकनिक पे जाया करते। अरे वाह, पिकनिक से याद आया कि मौसम कितना अच्छा और कितनी तेज धूप हो रही है, अपन लोग घूमने चलते हैं। तेज धूप में कौन पिकनिक पे जाता है? अरे बाबा तभी तो चलते हैं ना, देखो ना तेज धूप हो के रश भी कम होगा और चीजें भी सस्ती मिलेंगी। वैसे आइडिया तो अच्छा है, कहाँ चले? ऐसा करते हैं कि अपन लोग बेस कॉलोनी चलते हैं। मुझे इजाजत नहीं। अरे जाने भला मैंने तो कौन सी ऐसी गलत बात कर दी कि तुम्हारे बात पे चले जाते हो? बेस कॉलोनी कौन जाता है पिकनिक मनाने? अरे भला अपन लोगों का बेस का काम है तो अपन लोग वहीं पे ज्यादा एंजॉय करेंगे ना। अच्छा ड्रामा तो लगा दो ना सरीना, मुझे ड्रामा देखना, नहीं देखनी मुझे फिल्म। चलो यहाँ से ड्रामा हिंदी फिल्म ही लगाऊंगी मैं। वाह एकदम खोल दिया दरवाजा यार। अरे बाबा आपको किससे मिलना है? मिलना ना मिलना आपकी मर्जी, मैं हूँ शाहिद दर्जी। अरे बाबा आपको किसने बुलाया है? मैं आपका नाम सीमा तो नहीं है ना? अरे बाबा चरिया हो गया है क्या? सीमा तो लड़कियों का नाम होता है। तुम शमीम लड़कों का नाम क्यों होता है भैया? बात बताओ आप, यहाँ कसौटी खेल रहे हो, काम क्या है बाबा बताओ? मेरे को सीमा आंटी ने बुलाया है। सीमा आंटी? अरे बाबा वो मेरी बीवी है। हाँ तो तुम्हारी बीवी है ना, मेरी तो आंटी है ना। अरे बाबा क्या बात करते हो, आपसे बहुत छोटी है वो। छोटी है? हाँ बाबा हाँ, आप अंदर आओ, फिलहाल आप अंदर आओ, अंदर आओ बाबा, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो। क्या क्या हुआ, कौन है भाई, कौन है? अरे बाबा खुद आके दरवाजा खोला करो ताकि पता चले कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सीमा ने बुलाया है, दर्जी हूँ। सीमा? अरे वाह डायरेक्ट नाम, इतना फ्री। भाई देखो आंटी बोलता हूँ तो ये बुरा मानते हैं। भाई बाजी बोल ले, पहले सीमा को देख तो लेने दो, फिर फैसला करूंगा क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये ठीक बोला, ठीक बोला। आ चाचा आए, अंदर छोड़ता हूँ मैं। आइए आइए आइए, आ जाए अंदर, आ। अरे बाबा है तो दर्जी लेकिन बंदा सही नहीं है। अरे बच्चू भाई खड़े, आइए आइए। अरे नहीं बाबा तुम कहाँ जा रहा है? मैं जरा सौदा लेने जा रहा हूँ और दर्जी को मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। ठीक है ठीक है। और बाबा सिंगाड़े? बाबा सिंगाड़े? अरे मेरा मतलब है कि बाबा आते हुए सिंगाड़े लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, साइड में साइड में, बहुत काम है। ठीक है तो अब तो पूछ तो रहा हूँ तो आप कौन है? दर्जी हूँ, आपने ही तो बुलाया मेरे को। लेकिन हमने जिस दर्जी को बुलाया था वो तो आप नहीं है, उसका नाम तो जाहिद है। हाँ मैं उसका भाई शाहिद हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने मेरे को भेजा है। अच्छा भला ये बताओ कि तुम कपड़े तो सही ठीक से सिलोगे ना? अरे आप फिक्र ही नहीं करो, ऐसे कपड़े सिलूंगा ऐसे कपड़े सिलूंगा कि पूरे कब्रिस्तान में किसी के नहीं होंगे। कब्रिस्तान में? नहीं मेरा मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में किसी के नहीं होंगे। अच्छा भला ये बताओ कि तुम पैसे कितने लोगे? 3,000 रुपए। 3,000?
ये तो बहुत ज्यादा है भाई, आजकल यही रेट चल रहे, यकीन नहीं तो किसी गोरखन से पूछ लो। गोरखन से? मेरा मतलब है कि किसी मालकन से पूछ लो। अरे पापा, हम लोगों को सारे घर के कपड़े बनवाने। आपका घर ही कपड़े पहनता है? अरे पापा, मेरा मतलब है कि पूरे घर वालों के भला पैसे तो कम करो। वो तो कर लेंगे खैर, चलो ठीक है। ये बताओ सूट कितने? 5 मेरे और 5 बच्चों के, और 10 सूट मेरे। 10 सूट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे बाबा देखो ना, 5 तुम्हारे, 5 तुम्हारे शोर के, तो उसको मिला के 10 हो गए। इसी तरह मेरे भी 10 हो गए। लेकिन हम तो 2 हैं। अरे बाबा, मैं 2 के बराबर हूँ। बकवास बंद करो अपनी। तुम भी अपनी बकवास बंद करो। अरे 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 अरे, आप तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कब्रिस्तान में जानवर लड़ते हैं। तुम बकवास बंद करो अपनी, और तुम्हारे 10 सूट में देखती हूँ कैसे बनेंगे। अरे इसको बोलने दो भाई, मेरे 10 सूची बनाना और अच्छी फिटिंग में बनाना। वाह भाई वाह, अभेले अच्छा भाई। भाईजान ये बताओ, आजकल काम पे तवज्जो नहीं है क्या? 2 डब्बे यही भूल के चले गए यार। जाओ मलिक मिल शॉप वाले को देना सीधा, ठीक है? एहतियात से देख के। हाँ जानी भाई। हाँ हाँ बोलो बोलो। सीमा भाई जी बोल के 2 दिन की छुट्टी दिलवा दें। अभी 4 दिन पहले तुम गांव से आओ, फिर तुम्हें छुट्टी चाहिए। गांव में ऐसा क्या है? काम पे भी तवज्जो दे दो यार, हर वक्त तुम्हें बस छुट्टी चाहिए। यार यानी भाई प्लीज, अब अगर छुट्टी का बोला ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। शाबाश, काम पे तवज्जो, जाओ जाओ। छुट्टी छुट्टी, हर आदमी को छुट्टी चाहिए। ये जाने बिना पौधों को बिल्कुल नहीं देखता है। देखो कितने बेचारे सूख गए। अरे आप अकेली हैं, क्या कर रही हैं? अकेली भला मैं कहाँ पर हूँ, ये इतने सारे पौधे जो मेरे साथ हैं। बाबा ये भी जानदार होते हैं। आप इन पौधों से प्यार करते हैं? हाँ पापा, क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है, बेचारे इतने मासूम जो हैं। मासूम तो मैं भी बहुत हूँ, मगर मुझसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन बाबा तुम इस शक्ल से मासूम कम लफंगे ज्यादा लगते हो। आप शादीशुदा हैं? क्यों बोला, तुम्हें क्या लेना देना? नहीं नहीं, ऐसे ही अपनी सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ, बिल्कुल खाली कब्र की तरह। अरे बाबा तो मैं क्या करूं? नहीं देखे, मेरा मतलब है कि आपकी और मेरी बात ऐसे पक्की हो सकती है जैसे गोरखन कब्र पक्की करता है। ठेरो मैं बता दूं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अभी बता दूं। जाने जी जी यहीं खड़ा हूँ। और चुप करो, तुम्हें नहीं बुला रही हूँ। जाने ओ जाने। आया आया आया। आ, 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 क्या हुआ जरीना? जाने इस बुड्ढे को देखो, ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा भाई, मैं तो बिल्कुल खामोश हूँ मुर्दे की तरह। समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं जानी, ये मेरे से पूछ रहा था कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है। अच्छा तो ये चल रहा है? नहीं 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 भाई। अरे वाह जानी भाई, जानी भाई वाह वाह, क्या बॉडी है भाई। अरे इस बदन पे तो ऐसी फिटिंग आएगी, ऐसी फिटिंग आएगी कि लोग देखते ही कहेंगे कि आहा क्या नूरानी चेहरा है। चलो नाप नाप दो मेरे। नाप? चलो 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 नाप ले लो। आजो आजो आजो। इतने बुढ़े हो जाते हैं लेकिन अल्लाह माफ करे, सुधरते नहीं है ये लोग। बेशरम भिड़सा। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अरे बाबा तुमने जो इतने कपड़े फैलाए हैं, ये समेटेगा कौन? तुम और कौन? क्यों बाबा, मैं तुम्हारा ना करूं। मेरा शौहर कौन है? बाबा मैं। और शौहर कौन होता है? नौकर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। आई 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 आई, ये इतने कपड़े क्यों फैला के रखे हुए? एक काम करें, दर्जी साहब को जो है ना जरा नाप के कपड़े दे दें ताकि ये सूट सी सके। जी जी, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है, वो 3 कफन पहले ही पड़े हैं सिलने के लिए। अरे बाबा जानी ये कौन आदमी है बाबा, जब से आया है कब्र कफन और मैयत की बातें किए चला जा रहा है। माफ कीजिएगा, मुँह से निकल जाता है, बस आदत है ना। मुँह से निकलेगा भाई, ऐसा करें 5 जो है बच्चों भाई के और 5 सीमा मैडम के और 3 जो है वो मेरे। बाबा तुम्हारे 2 नहीं थे? दो अच्छा चले, दो और 10 जरीना के। जरीना के बड़े याद है आपको? देख रहे बच्चों, पूरे 10 सूट सिलवा रही है जरीना। कोई बात नहीं बाबा, मेरी बहन है छोटी, सिलवाने दे सिलवाने दे, उनकी भी तो आपके बराबर में कब्र है। क्या
मेरा मतलब है कि वो भी तो आपकी बहन है। ओके, आप दोनों नाप के सूट निकालें, मैं जब तक इनको लेके चलता हूँ ताकि ये भी मेरा नाप ले लें। कहाँ? इन दोनों का कमरा है, चलते हैं वहाँ अपने कमरे में नाप लेते हैं। आइए। अच्छा, देख रहे ना बच्चू, 10 सूट सिलवाएगी जरीना। कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, बहन है मेरी, खैर है। अरे कौन है? क्या है? जानी है क्या? क्या काम है? अपने पैसे लेने थे, महीना हो गया अभी तक वापस नहीं किए। कितने? 10,000। क्यों दिए थे? कह रहा था अपनी बीवी जरीना का इलाज करवाना है। जरीना? आप पापा, मैं ही हूँ जरीना। अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। हुआ क्या है? अरे बाबा, मेरे बालों में दर्द है। बालों में दर्द? ये तो पहली दफा सुना है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होना पड़ेगा, 10,000 और चाहिए। अच्छा? आप बाबा, वरना मैं गंजी हो जाऊंगी। अरे अरे रोए मत, मुझे बताएं क्या करना है। 10,000 और चाहिए। हाँ हाँ, ये ले। शुक्रिया। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि तुम्हारी घर की औरतों को बालों का दर्द ना हो, अल्लाह उनको गंजा होने से बचाए। बहुत दुआएं बहन की। अरे बस करें बहन, मेरे आंसू निकल जाएंगे। अच्छा, अब 2,000 रुपए और है? नहीं, वो जानी को बता दिएगा मेरा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। बड़ा होशियार बनता है जानी, तुम मुझसे ज्यादा होशियार नहीं है। अरे बाबा, ये पैसे भी मेरे पास आ गए, तो खुशी की बात है। ये अबे ये पकड़िए जरा, ये हो गया 60। भाई का छोटा रह गया भैया आपका, तू गेट के लंबा कर दे। और ये भाई, ये जी सीना 17 हो गया भाई। अबे बकरे का गोश्त खा कर भाई। क्यों? सीना चौड़ा करता है वो। हाँ भाई हाँ, ये अब हाँ भाई, वाह भाई वाह, बड़ा समझदार है भाई। ये कमर तुम्हारी? कमर का है तो तोन है। कमर रही नहीं, तोन ही रह गई है। ये हो गई जी 45। कम होगी? कम नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा। कम करो इसे, खाते ही सो जाते होगे। नहीं भाई, मैं तो सोने के बाद खाता हूँ, वो भी बकरा। अबे सोने के बाद बकरा कैसे खा सकता है कोई? भाई देखिए, आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि आदमी अब ख्वाबों में ही बकरा खा सकता है। हाँ भाई चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नाप पूरा। भाई सूट ऐसा सीना कि तोन नजर ना आए। अरे इसकी तो फिगर ही नहीं करो, ऐसा सूट होगा, ऐसा सूट होगा कि जैसे 60 फीट की कबर। मतलब? अरे यार आप कबर पे लेट के देख लेना, फिट आएगा फिट। भाई आप वो दर्जी बातें कबरों की कर रहे हो। यही बात है, तो ये मेरा स्टाइल है। भाई स्टाइल को छोड़े, मेरा सूट सीधा है, अच्छा सा। ये लो, वैसे आपका नाप हो गया मुकम्मल। अब मैं लिख लूं भाई, ये भैया ये कमर थी 45 और लंबाई थी 60 और सीना 70। अब उल्टा सीधा नहीं हो जाए, मालूम है सीना हो गया 60, कमर हो गई 17। अबे नहीं भाई नहीं। अरे एक बात तो बताए जमदारी साहब, ये मुझे लेटा के क्यों आपने नाप लिया? आसानी से हो गया ना, अब खड़े होकर थोड़ी खबर खड़ी थोड़ी होती है। ओ भाई क्या हो गया भाई? निकल, क्या हो गया? सूट सी क्या? ये मेरा डायरी तो दे दो, मेरी डायरी। ये भाई, ये भैया 45 हो गई लंबाई। लेकिन बाबा यहाँ पे तो 56 आ रहा है। अरे यार इसमें है 56, मेरे पास 45 है यार। हाँ भाई, ये हो गई जी लंबाई 45। अच्छा भाई काम क्या करते हो? बाबा जमीने हैं, उस पे दूध का कारोबार करते हैं। जमीने हैं? जमीने खाली हैं या बीच में कोई कब्र भी है? अरे बाबा क्या बात करते हो, जमीन है, उस पे हमने भैंसे पाली हुई हैं। जिंदा? नहीं नहीं बाबा, मरी हुई। अच्छा, मरी भी भैंसे?
अबे दूध कब देती हैं मरी भैंसें? तभी तो कह रहा हूँ बाबा, भैंसें जिंदा होंगी तो दूध देंगी ना। अच्छा ये अगर कोई भैंस मर जाती है तो उसे दफनाते कहाँ? अरे बाबा क्या हो गया है ये, मरने मुरने की बातें क्यों करते हो आप? बच्चू भाई मजबूरी है, क्या बताएं, बस आदत सी पड़ गई है। अरे बाबा आदत बदलो अपनी, जीने की बात करो। जीने की बात क्या करें भैया। अच्छा भाई ये देखो तुम्हारा तो हो गया नाप पूरा, ठीक है। अच्छा बाबा ये कपड़े कब मिलेंगे? ये मैं दे दूंगा आपको स्वयं से पहले। अरे बाबा स्वयं से पहले, ये क्या बात की आपने? हाँ तो स्वयं की बात तो दे नहीं सकते भाई, स्वयं से पहले ही दूंगा ना। हाँ भाई। अच्छा भाई मैं चल रहा हूँ। अरे बाबा ये क्या बातें करता है स्वयं से पहले, खबर भैंस की, सही आदमी नहीं लगता है मुझे। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। अरे बाबा ये दर्जी किधर रह गया, मेरे को नया सूट पहनना है। क्यों तुमने कहीं जाना है क्या? अरे कहीं नहीं जाना, तभी तो नया सूट पहनना है। और कहीं जाओगी तो क्या पुराना पहनोगी? हाँ ना, ताकि मुझे नजर नहीं लगे। अच्छा बाबा वो मुझे दर्जी सही आदमी नहीं लगता है, हर वक्त मौत की और कब्र की बातें करता रहता है। अच्छी बात है बच्चू, मौत को हर वक्त याद करते रहना चाहिए। वैसे मैंने एक बात नोट की है, जिस चीज को जितना याद करो वो एक ना एक दिन आ ही जाती है। अरे बाबा क्या बात करता, बकवास नहीं करो, मैंने अभी देखा ही किया है। अरे बाबा इसको सब पता है, कौन कितने पानी में, ये सब जानती है, ड्रामे करती है। सही, तुम तो अपनी जबान बंद ही रखा करो। क्यों वाला जबान बंद रखूं, ये क्या कोई दुकान है जो मैं बंद रखूं? ओहो खुदा का वास्ता फिर ना लड़ना शुरू हो जाए। अच्छा भला मेरे को भूख लगी है, जाने बिरयानी रखी है ना? हाँ रखी हुई है। ठीक है मैं आती हूँ खा के। हर वक्त खाना खाना, ये खा लो ये खा लो ये खा लो फिर खा लो। अरे बाबा मेरी छोटी बहन है, खाने दो बाबा, लाडली है। बच्चू भाई कुछ पैसों की जरूरत है, माल पहुंचाना, पेट्रोल के लिए चाहिए। हाँ बाबा पेट्रोल के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, दे दो सी मशीन। देने ही पड़ेंगे अब तो। बच्चू भाई ये दर्जी कब आएगा? अरे बाबा पता नहीं कब आएगा। अच्छा एक बात बताइए, सफेद क्यों सूट सिलवा लिया आप? अरे बाबा गांव में जरा शोशा होती ना, कलफ लगा होता है। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम भाई, ये आपके सूट तैयार हो गए, तब ये खुश हो जाएगी भैया। लाए दे बाबा। नहीं लाओ नहीं, पहले पैसे फिर सूट। अरे भाई पैसे तो हम दे ही देंगे, हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। भैया मेरा उसूल है, मैयत दफनाने से पहले पैसे ले लेता हूँ। आए हाय कैसी बातें कर रहे हैं, सीमा मैडम दे दे पैसे। अब कितने हुए? ये 4 सूट हैं, और वैसे भी एक एक सूट ही काम आएगा, बाकी सब फजूल हैं। ये भला ये छाजिया की दर्रे की अभी तक नहीं आई। अरे भाई बच्चू सीमा सब लोग कहाँ हैं भाई? कह रही थी आप भला क्यों आए? अरे भाई तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो? अरे बाबा मैं किसी का इंतजार कर रही थी और आप आ गए, और आपको देखते ही मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा अच्छा सब खैरियत तो है ना, सब लोग ठीक है ना? हाँ पापा सब खैरियत, अब आ गए तो चलो अंदर चलो, अदा बच्चू से मुलाकात कराती, चलो। अच्छा अच्छा चलो, अच्छा चलो ठीक है अंदर आ जाओ, आओ आ जाओ। ये बताएं बाकी कब देंगे? बाकी अदा वो बेग साहब आए मिलने के लिए। अरे बाबा क्यों आए, हमने तो नहीं बुलाया था। अरे भाई मैं खुद आया हूँ, क्या मैं आ नहीं सकता? ये पुलिस क्यों आई है भाई? अरे पापा ये हमारी अपनी पुलिस है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई लाएं पैसे लाएं, मैं तो चलूं भाई। दे दो बाबा। हाँ हाँ दे रही हूँ, दे रही हूँ। लाओ बाबा लाओ, ये ले लाएं। हाँ और ये आपके सूट। सबसे पहले मैं निकाल लूँ जरा। वाह वाह ये हो गया मेरा। ये बल्ला मेरा भी सफेद बना दिया क्या? हाँ ये तो खाली कपड़ा है। हाँ बाबा मेरा भी कपड़ा ही है। मेरा भी कफन तैयार कर दिया क्या? अरे भाई खाली नहीं है, यही होते हैं मैयत सूट। तो आप सूट नहीं कफन सीते? हाँ हाँ तो कफन ही तो है, कफन ही तो सीता हूँ मैं। अरे बाबा क्या हो गया, किस किस्म का आदमी है बाबा, हमें जिंदा है जिंदा, मुर्दा समझ रहा है क्या? ला हमारे पैसे वापस करो, हमें नहीं चाहिए ये। नहीं नहीं पैसे नहीं दूंगा, ये तो मेरी अपनी जाती कमाई है भाई। नहीं यहाँ अभी बताता हूँ तुझे तेरी कमाई। बेग साहब जरा पकड़े ना इनको। भाई मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता, ये आप लोगों का अपना मसला है। आई एम वेरी सॉरी, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जाती मसला है, बच्चू भाई आओ फिर। बच्चू ये कार्टन जाने यहाँ भूल गया,
ये उठा के जरा गाड़ी में रख दो, मैं छोड़कर आती हूँ। अरे बाबा क्या हो गया सीमा तुम्हें, मैं मालिक आदमी हूँ बाबा, ये नौकर का काम है, अपना काम पूरा नहीं करता है मैं करूंगा उसका काम। उसको बुलाओ आके, बोलो कि कार्टन लेकर जाए। अबे काना पैसे निकाल, ये भाई का बहन और बहन का भाई करना छोड़, निकाल पैसे वरना ये छुरी तेरे पेट में घोंप दूंगी। अरे बाबा सीमा। अच्छा हसीना होने का खपत यहाँ भी सर पे सवार है, ड्रम में बाजवे भी हसीना तो बनना ही है। अबे ओ चुपकली के मुंह वाली चुप कर, वरना ये चाकू ना घोंप दूंगी। कमरे में चुप 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 के फोन कर रहे थे, हाथ पकड़। लगता है जरीना एक्सरसाइज करवा रही है। चोरी, उस दिन मैं सारा दिन ढूंढता रहा हूँ, एक तो मेरी चोरी उठा के लेके चली जाती है, उस दिन मुझे आलू दांतों से छीलने पड़े। बाबा ये तो जरीना को पकड़ लेंगे। अबे पागल हो गया क्या, मैं जरीना को नहीं डाकू हसीना को पकड़ने आया हूँ। अरे बेग साहब यही तो मसला है, वो हसीना तो बन नहीं सकी तो उसने सोचा मैं डाकू बन के हसीना बन जाऊं। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा